उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति से मांग की। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड में हुए शहीदों के लिए इंसाफ हो। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष इसरत हुसैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मुरादाबाद का गोलीकांड 13 अगस्त 1980 की उच्च स्तरीय अदालती जांच कराई जाए, साथ ही इस गोलीकांड के मुजरिमों के खिलाफ मुकदमे कायम कर कार्रवाई की जाए। वहीं इस गोलीकांड के शहीदों के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन शहीदों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। आज ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम है और जिलाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम दिया जा रहा है। हमारी सन 13 अगस्त 1980 जो आज 13 अगस्त है, हम हर साल 42 साल से इसी तरह बराबर मांग करते रहे हैं कि जो 13 अगस्त सन 80 को पीएसी द्वारा पुलिस की बर्बरियत के शिकार हुए मुसलमान जो नमाजियों पर गोली चलाई गई और शहीद हुए, उनको ना तो आज तक कोई मुआवजा मिला और ना ही सरकारी नौकरियों में कोई जगह मिली, और जिन लोगों ने ये बर्बरियत की उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से हमारी बराबर ये मांग है, इससे पहले की सरकारें भी रहीं उनसे भी हम मांग करते रहे और बीजेपी सरकार से भी हमने मांग की, तो वहाँ से एक लेटर हमें 2015 को मिला था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको इसकी जो है जानकारी देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन वो भी उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है। उसका लेटर हमारे पास है, संलग्न है, लिहाजा जो इसके अलावा गौरतलब है कि इस दौरान कार्यकर्ता राष्ट्रपति से मांग करते नजर आए।